Good morning guys, welcome back to my channel. My name is Leon and I belong to the beautiful state of Arunachal Pradesh. मैं first of all ये कहना चाहूँगा कि wish you a very Merry Christmas 2020 and आज मेरी off day and I felt कि I should visit a new place in Kashmir and उसी के चलते हुए आज मैं आया हूँ यूसमर्ग. और मैं आपको बता दूँ कि ये जो place है ये बहुत ही underrated है. But at the same time, I can tell you one thing that ये बहुत ही खूबसूरत है. So I found that लोग बहुत ज़्यादा पहलगाम गुलमर्ग की बातें करते हैं, but ये जो जगह है ये भी काफ़ी सुंदर है. So today what I'll do is like I will give you some information how to reach this place. Guys, due to some reasons my gimbal is stopped working, so I'm just trying to make this vlog with my hand, and it is becoming extremely difficult for me to vlog this video. So even अगर video quality अगर सही ना आए तो माफ कर देना है इसके लिए. Guys, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि this place is 47 kilometers away from Srinagar. एंड आपको यहाँ भी आने के लिए टैक्सीज एंड शेयर टैक्सीज भी मिल जाएंगे, विच आई ऑलरेडी चेक विद सम ऑफ द लोकल्स. एंड मेरे साथ आप बना रहिए, आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू. एंड बहुत दूर नहीं है, यू कैन गो एंड कम बैक ऑल्सो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हियर देन देर आर लॉट ऑफ अकोमोडेशन अगेन. आप यहाँ आके भी चेक कर सकते हो या यू कैन चेक इट ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, सो देर विल बी नो प्रॉब्लम. और सर्दियों में जाके स्कीइंग होता है? स्कीइंग नहीं होता ना, तो सर्दियों में बस यही बर्फ देखना है. और तो आप बता दो समर में क्या क्या हम देख सकते हैं? आप समर में आप ट्रैकिंग के जा सकते हैं ऊपर. ऊपर ऊपर कहाँ? सीधा ऊपर. बता 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 बता. इसको बोलते हैं टटाकुटी. टटाकुटी टटाकुटी बोलते हैं. अच्छा, ये सफेद है. जो सारे घोड़े में जाना होता है या कार में? कार पैदल जा सकते हैं, पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं. और कितने घंटे लगते हैं? दिन भर का सफर. दिन भर का कितना किलोमीटर होगा? दिन भर चलने में आप ही समझो कि 10-20 किलोमीटर थोड़ा 20 किलोमीटर होगा. और समर में यहाँ लेक भी है ना शायद? हाँ, तो ये है ना, इसमें बोटिंग होती है. चार्जेस क्या होते हैं घंटे के हिसाब से? अच्छा, राउंड. और कोई आना, कोई टैक्सी वैक्सी का चार्जेस क्या रहता है? टैक्सी का नहीं, प्राइवेट टैक्सी से. तो लोकल लोकली आते हैं? लोकली आते हैं. और टैक्सी तो मेरे घर से कठमांडू से मिल जाता है. कठमांडू से शरारी शरीफ और वहाँ से से. आप चलो, आप बताते जाओ फिर. लेक है ना? आप बता दो. आप जो यहाँ से ऊपर है ना, उसको बोलते हैं संग सफेद पहाड़. ओके. वो बहुत ही खूबसूरत जगह देखने की है. अच्छा, जहाँ से दूध गंगा स्टार्ट होता है. किलोमीटर भी बता देना. किलोमीटर वो कम से कम 20-25 किलोमीटर रिटर्न होगा. ओके. यहाँ से ऊपर है वो. सुनो, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छी जगह है और उसके अंदर तीन लेक है. त्रिसुर बोलते हैं उसको. अच्छा, संग सफेद, त्रिसुर, बरगा, संग सफेद, डगडोलन. बहुत ही अच्छी जगह है. ओके. और यहाँ पे आपका गर्मियों में लेक भी है जहाँ पे हम बोटिंग कर सकते हैं ना? बोटिंग. ओके. बोटिंग हो सकती है. निलनाग में लेक है, वहाँ पे भी बोटिंग हो सकती है. दूध गंगा है जो, वो कितना किलोमीटर बताया आपने? दूध गंगा चार किलोमीटर. चार किलोमीटर. ओके, मतलब
आने का जाने का, आने जाने का, दो जाने का, दो आने का। अच्छा अच्छा अच्छा। 8 किलोमीटर नीलनाग लेक, 8 किलोमीटर नीलनाग लेक, नीला पानी, ग्रीन ब्लू पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लू वाटर है वहाँ पे। ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग पैदल भी जा सकते, नीचे से जाते हैं वहाँ पे, ये रास्ता है। अच्छा, पैदल भी जा सकते हैं। और कोरोना के बाद यहाँ क्या सीन है, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या कम है? थोड़ा बहुत कम हो गया। ओके, कम हो गया। टूरिस्ट आना चाहिए तो हमारा रोजगार भी होता, नहीं तो कोई रोजगार। अच्छा अच्छा। और यहाँ क्या क्या कुछ फूल वूल उगता है? हर किस्म के फूल, हजारों किस्म के। अच्छा, हर किस्म के फूल, रेड येलो। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया। गाइस, ये है यहाँ का लेक, एंड यहाँ समर्स में आपका वोटिंग होती है। एंड जस्ट टेक अ लुक गाइस, आई जस्ट चेक विद द लोकल्स हियर एंड देन दे टोल्ड मी कि यहाँ आने के लिए आपका कम से कम श्रीनगर से यहाँ पहुँचने तक आपको 100 रुपये लगेगा आपकी शेयर टैक्सीज में। एंड अदरवाइज दूसरे जो चीज़ है वो है आपका प्राइवेट टैक्सी, डेट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 to 2500। गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूस्मर्क, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप टू सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।